कांग्रेस शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से केंद्र व राज्य सरकार के अन्यायकारक धोरण के चलते बढ़ते महंगाई के विरोध में कांग्रेस के नेता गिरीश पांडव के नेतृत्व में एक दिवसीय लाक्षणिक अनशन किया गया। आए दिन महंगाई बढ़ते ही जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी मार आम जनता झेल रहा है। इसे देखते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा आज एक दिवसीय लाक्षणिक अनशन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के नेता गिरीश पांडव ने कहा कि आज महंगाई काफी बढ़ी, जिससे आम नागरिक परेशान है। आए दिन रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब वस्तुओं के दाम एक रुपए दो रुपए भी बढ़ते हैं तो बीजेपी द्वारा संघर्ष किया जाता था और कांग्रेस को बदनाम कर बीजेपी आज सत्ता में आई है। आज दक्षिण नागपुर से अनशन कर सरकार एवं बढ़ते महंगाई का चूल्हा जलाकर नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विरोध किया गया। देखिए, आपको पता है कि फिलहाल जो महंगाई पूरे हिंदुस्तान में जो बढ़ी हुई है, उसका निषेध करने के लिए नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, ओबीसी विभाग के माध्यम से यहाँ पर लक्षणीय उपोषण का कार्यक्रम आयोजित किया गया हुआ है। इसका पीछे का मकसद यही है कि जिस वक्त में कांग्रेस की सरकार थी, और आपको पता है कि तेल के दाम हो गए, पेट्रोल के दाम हो गए, सीमेंट के दाम, जब थोड़ा एक रुपया दो रुपया भी बढ़ जाता था तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता लोग रास्ते पे आके संघर्ष करते थे और कांग्रेस को बदनाम करते थे, और कांग्रेस को बदनाम करके वो सत्ता में आए हुए है। हमने दक्षिण नागपुर के माध्यम से आज यहाँ शुरुआत की है कि हम एक दिवसीय लक्षणीय उपोषण जो है, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता मच्छिंद्र साड़वे जी और ललित कोरे जी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी प्रकार का आयोजन हम पूरे दक्षिण नागपुर के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में करने वाले हैं। हमारे पार्टी के नेता माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हमारे प्रांताध्यक्ष नानाभाव पटोले और हमारे शहर अध्यक्ष विकासभाव ठाकरे के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम पूरे महाराष्ट्र और नागपुर शहर में किया जाने वाला है। और महंगाई कम करने के लिए हम कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने वाले कि घर घर जाने जाकर आप महंगाई किस प्रकार से बढ़ी और कम करने के लिए अपने को कांग्रेस सरकार को, पार्टी को सत्ता में लाना है, ये लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी हम कांग्रेस कार्यकर्ता पर दी हुई है। देखिए, अभी ये जो उपोषण जो है, हमने लक्षणीय उपोषण रखा हुआ है। अगर आने वाले दिनों में अगर ये हमारी मांग पूरी अगर नहीं होती है, ख़ास तौर पर हमने ये कहा है कि जो पेट्रोल और सिलेंडर के दाम जो है कम करने के लिए हमारी पूरी ये है, अगर नहीं होता है तो आज जो लक्षणीय उपोषण जो है हम आमर उपोषण तक करने के लिए हमारी तैयारी है, और हम तीव्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। महंगाई कम करने के लिए आज एक दिवसीय लाक्षणिक अनशन किया गया। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन भी आगे किया जाएगा, ऐसी चेतावनी गिरीश पांडव द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिज देशमुख, बीसीएन न्यूज नागपुर।